हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर का जो रिवॉल्यूशन एप्लीकेशन होता है वो ऑनलाइन कैसे फिलअप किया जाए। तो उसके लिए दोस्तों गूगल पे IUMS साइट पे जाइए, फर्स्ट जो आता है उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे कि देखिए ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद साइन इन कीजिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। तो दोस्तों यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए और साइन इन कीजिए। फॉरगेट करना है तो नीचे ऑप्शन भी है फॉरगेट का, तो उससे आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर लॉगिन में कोई इशू हो तो आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस साइट पे आपको ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको इस ऑप्शन में जाइए और एडमिशन प्रोसेस में जाइए दोस्तों, और उसमें आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन फी पेमेंट ऐसा एक ऑप्शन है, सेकंड वाला भी है। तो सेकंड वाले में आपको रिसिप्ट मिल जाएंगे और फर्स्ट वाले में आपको फी पेमेंट करने का लिंक मिल जाएगा। तो आप देखिए, अब जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ऑनलाइन फी पेमेंट, फर्स्ट में आपको पेमेंट करने को मिलेगा, सेकंड में उसकी एक रिसिप्ट मिलती है वो भी मिलेगी। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले वाले में जाऊँगा मैं। तो देखो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। पहले तो आपका नाम, आपका सेमेस्टर, आपका सब कुछ उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि आपके लॉगिन है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके नीचे ऐसे बॉक्स आपको दिखेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि रिटोटलिंग और बहुत सारे। तो आपको रिवॉल्यूशन करना है, एक दो सेकंड में और बॉक्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपके रुकना है थोड़ा सा आपको, नहीं तो कुछ नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं आया। कुछ समय के बाद वहाँ पे आप ऐसे बॉक्स आ जाने लगेंगे एक एक करके। तो आपको फिलअप करना है, जैसे कि ईयर, सेमेस्टर और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोर्स आपको चूज़ करना है। और नरेशन में आपको दोस्तों उसमें थ्योरी में कितने मार्क्स मिले हैं आपको डालना है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं थ्योरी, और उसमें आपको जितने मिलेंगे उतने डाल सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोर्स का नाम डालिए और उसके आगे थ्योरी में जितने मिलेंगे उतना आप डाल सकते हैं। मतलब नरेशन में आपको उसके बारे में कुछ लिखना है कि वो क्या है। तो सब्जेक्ट का नाम लीजिए और उसमें एक तो मिड के अलग और थ्योरी के अलग डाल सकते हैं, बीच में प्लस का साइन करके, या डायरेक्ट टोटल डाल सकते हैं कितने मिले हैं। बट थोड़ा सा पढ़ने वाले को वो समझ आए ऐसा कुछ डालना होगा वहाँ पे। तो आप डायरेक्टली टोटल मार्क्स डाल सकते हैं, जैसे थ्योरी में कितने मिले हैं उतने मार्क आप डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, अभी आ तो दिखेगा नहीं आपको। तो आपको स्लोली स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करके नीचे दबाना है, मतलब नीचे की ओर जाना है, मतलब पेज को ऊपर उठाना है। अभी दिखाने वाला हूँ मैं। तो आपको ये समझ भी आएगा कि क्या पे क्या डालना है। तो रिवॉल्यूशन करना है तो रिवॉल्यूशन डालना है, और ईयर, कोर्स और सेम और नरेशन ऐसे आपको क्लिक करना है। तो अभी थोड़ा नीचे गए तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो दोस्तों मिला, उस पर क्लिक किया मैंने और ऐसा एक न्यू आ जाएगा। तो उस पर आपको ऑप्शन मिल गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, जैसे कि मेरे पास डेबिट कार्ड है इसलिए मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक टर्म एंड कंडीशन का एक दिखेगा आपको, तो उसको आपको ऐसे बॉक्स पर क्लिक करके पे नाउ कर देना है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, बस इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी कि आपको पैसे वापस नहीं आएंगे, वो ब्ला ब्ला ब्ला। तभी रिसिप्ट कैसे ली जाए दोस्तों, उसको बारे में बताने वाला हूँ। उसके साइड में रिसिप्ट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सेकंड वाले में जाके आप डायरेक्टली आपको क्लिक करके भी आपको रिसिप्ट मिल सकते हैं। तो देखिए अभी मैं क्लिक करने वाला हूँ जो जो आपको जिसकी भी यहाँ पे आपने सब फिलअप कर दिया है,
और यहाँ साइड में प्रिंट का ऑप्शन है, तो प्रिंट का ऑप्शन है तो मोबाइल है इसलिए दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही पीडीएफ आ जाएंगे और आपको उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ मोबाइल में हो चुका है, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और वीडियो देखने के लिए थैंक दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका भी भला हो जाएगा।